खेलकूद में होनहार हरियाणा की एक बेटी को अपने परिवार से बगावत करनी पड़ रही है। परिवार वाले ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक महिला कबड्डी खिलाड़ी ने अपने पिता पर जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश का आरोप लगाया, हरियाणा के सीएम से शिकायत की। महिला कबड्डी खिलाड़ी पानीपत की रहने वाली है और करनाल में एक अधेड़ उम्र के आदमी से उसकी शादी तय की गई थी। पीड़ित ने 10 फरवरी को रोहतक में हरियाणा महिला आयोग से शिकायत की। कबड्डी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल चुकी है और बीए की पढ़ाई कर रही है। लड़की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर हरियाणा और देश का नाम रोशन करना चाहती है। लड़की का आरोप है कि सितंबर में शादी तय करने के बाद उसे घर में कैद कर दिया गया। महिला कबड्डी खिलाड़ी ने पिता पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। सीएम मनोहर लाल और हरियाणा के डीजीपी से सुरक्षा की मांग की है। खेलना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ, देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी हैं वो मेरी शादी करना चाहते हैं किसी उम्र दराज लड़के से। मैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वो मेरी हेल्प करें। मुझे कोई मामला आयोग के पास आया, हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास आया है, तो हम उस बेटी की मदद करेंगे। उसको खेलने के लिए भी हम रोहतक प्रशासन से बात करेंगे कि उस बेटी को खेलने के लिए पूरी मदद की जाए।